वुजू के दौरान या गुसल करते वक्त पानी हलक में गलती से चला जाए तो इसके बारे में क्या होगा? गलती से पानी चला गया तो पानी जो है ना वो मतलब कि मेरे उसकी मकदार जितनी चंद कतरों जितनी है, एक दो कतरे हैं तो फिर तो माफ़ी है, कोई मसला नहीं, रोज़ा टूटा नहीं है। लेकिन वो मतलब कि पानी मतलब पीता ही रहा है, निगलता ही रहा है, दिल को ठंडा करता रहा है, तो सूरत में रोज़ा फासिद भी हो गया, कफारा भी लाजम आएगा, कज़ा भी लाजम आएगी। जी, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, वो जस्ट जाके कुल्ली कर लेता है, कुल्ली कर लेता है लेकिन पीता वगैरह नहीं है, अलग में लेके नहीं जाता, तो उसके लिए क्या होगा? बिल्कुल कर सकता है, कुल्ली भी कर सकता है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ठंडे पानी के अंदर बैठ भी सकता है। फुकहा ने भी लिखा ठंडे पानी के अंदर बैठ सकता है ताकि उसके पेट को ठंडक पहुँचेगी तो प्यास कम हो जाएगी, प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए गुसल भी किया जा सकता है।